अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, मैं आपका भाई रिजवान रियाजी। आज तारीख 5 दिसंबर 2023 है। हम लोग भेड़िहारी गांव पंचायत लक्ष्मीपुर थाना मैनाटांड जिला पश्चिम चंपारण बिहार में इस वक्त खड़े हैं। आपको मैं बता दूं किस इस मुनासिबत से एक यहां पर फंक्शन होने जाना था कि वीरेंद्र गुप्ता जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सिट्टा मैनाटांड क्षेत्र के, उनके माध्यम से हमारे गाँव के मुखिया निसार अहमद जो बड़ा के नाम से बड़े निसार यानी एक्स मुखिया के प्रसिद्ध हैं, उनके माध्यम से तकरीबन 48 लाख के लागत से एक एकड़ 20 डिसमिल भड़वा भेड़िहारी के जो कब्रिस्तान का रकबा है ये घेराबंदी हुई है। मैं आपका भाई रिजवान रियाजी, मैं आया था यहाँ पर 2 बजे का टाइम था, लेकिन हमारी भी कहीं मीटिंग है बेतिया में, तो विधायक जी आते रहेंगे, लेकिन मैं निसार मुखिया साहब को ये सौगात देना चाहता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने जो भेड़िहारी में कारहाए नुमाया अंजाम दिए, इस पर अहले भेड़िहारी या पंचायत वाले जितने भी शुक्रिया अदा करें आपका कम है। इसमें कुछ इधर आओ, दिखा दो यहां पर। निसार मुखिया के द्वारा 47,89,890 यानी गोया के 50 लाख इसको इसमें लेकर चलिए घेराबंदी हुई। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ज़बरदस्त सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस काम में अगर सच पूछा जाए तो हक को इंसाफ का दामन कभी नहीं छोड़ा गया है। निसार मुखिया ने जो काम कराया है मिसाली है, और ये गेट जो आप देख रहे हैं मैं तो देख करके दंग रह गया कि वाकई कब्रिस्तान में इतना शानदार गेट बनाया गया। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने काफ़ी मोहब्बत से ये काम कराया है और अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझ करके काम करवाया है। कहने वाले तो बहुत सारी बातें करते हैं, देख लीजिए कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से हमारे लोग जो सो रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। हट जा बेटा, हट जाओ। ये एक उपलब्धि हुई भेड़िहारी की, जो आने वाला आदमी आएगा ये रास्ता भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से छोड़ा गया है, यहाँ पर अपने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ रखेगा, मिट्टी देगा जाएगा, ये उपलब्धि हुई। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहूँगा, ये रख लीजिए, ये रखो जी, रख लीजिए आप, मैं नज़र आ रहा हूँ ना, हाँ, कि सरकार से जो चीज़ मांगी जाती है ना, तो मांगने वाला हाथी घोड़ा सब कुछ मांगता है, लेकिन मांगने वाला जो है ये अगर बीएलएड कॉलेज और रेगुलर महिला कॉलेज, हम चाहेंगे कि निसार मुखिया ये इस प्रस्ताव को यानी जो मैं तजवीज़ दे रहा हूँ मुझे मेरी तरफ दिखाएं। कब्रिस्तान के लिए तो हमने दीवार मांग ली, और ये सरकार की अपनी मजबूरी होती है कहीं ना कहीं, ये हमारा अपना मूल हक है, फंडामेंटल राइट है, ये तो पैसा है लिया जा सकता है, लेकिन अगर भेड़िहारी में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं और विधायक जी के जरिए अगर हम यहाँ पर बीएड कॉलेज मांग लें या रेगुलर कॉलेज मांग लें या महिला कॉलेज मांग लें तो हमारे गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा, तो ये तो उपलब्धि बहुत अच्छी उपलब्धि है। लेकिन एक दूसरी उपलब्धि अगर हो जाए, इस किस्म की चीज़ें अगर आएँ तो इंशाल्लाह ताला गाँव का भी विकास होगा और अपने ज़िले का भी विकास होगा। देखिए साहब भी आ गए, आवा जल्दी से तो और वीडियो आ जाओ। अरे भाई हम वो प्रस्ताव रखेंगे तो मिलेगा, भेड़िहारी गांव को अगर एक कॉलेज रेगुलर कॉलेज मिल जाए ना, सारी बच्चियां सारे बच्चे हमारे ग्रेजुएट बन जाएंगे, तो ये मांगने से है, देने वाला तो मौजूद है, मांगने वाला कोहे तूर तो मौजूद है, मांगने वाला मूसा ही नहीं। सरकार के पास इतना सारा फंड है और क्या है, इसके अंदर अगर अच्छे से नहीं बनाया जाता कौन कहा था इतना अच्छा गेट बनाने के लिए। बनाने वाला अच्छा अगर हो और मांगने वाला भी अगर ज़बरदस्ती मांगा जाता है तो मांगा जा सकता है। हम चाहेंगे कि अगली बारी जो हो हमारे लिए, हमारे गांव की जो उपलब्धि हुई है ये कब्रिस्तान की शक्ल में हुई है यानी दीवार की शक्ल में, अगली जो उपलब्धि होनी चाहिए वो शिक्षा के हवाले से होनी चाहिए कि अगर हम शिक्षा पर हम लोग काबू पा लेते हैं तो हम खुद कमा करके बहुत सारी कब्रिस्तान की घेराबंदी भी करा सकते हैं। आपका भाई रिजवान है जी, एक मरतबा से घुमा दीजिए, इसको भी दिखा दीजिए, इसको भी यहाँ ऊपर से दिखा दीजिए, ये बड़ा बड़वा ईदगाह है, वहाँ चल जा भाई अगवा। हाँ, आपने भेड़िहारी के कब्रिस्तान देखा, ये भड़बड़वा के कब्रिस्तान है जो घेराबंदी हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये भड़बड़वा वाला है। और चूंकि मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि मुखिया जी की ख्वाहिश थी कि मैं शेयर करूँ, तो एक मरतबा ये बोर्ड भी आप बढ़िया से देख लीजिए ताकि ये बोर्ड भी यादगार रह जाएगा। इसके लिए हम निसार मुखिया का, माननीय विधायक का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि मैं खुद प्रतिनिधि हूँ MLA का, किसी की तारीफ तो ज़्यादा नहीं की जाती है पार्टियों की, लेकिन जो पार्टी अच्छा काम करती है उसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस रोज़ अल्लाह ताला मुझे मौका देगा उस रोज़ हम कर लेंगे, क्या हो।